चार्ट क्या होते हैं, चार्ट की हम ये लिखते हैं, चार्ट आर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो हम चार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट चार्ट हैं, लेकिन हम जो चार्ट करेंगे वो एक है बार चार्ट, कॉलम चार्ट और पाई चार्ट। ये कुछ चार्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा चार्ट को बनाने जा रहे हैं, इंसर्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे चार्ट पर। तो सबसे पहले चार्ट पड़ता है कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट के हमारे पास डिफरेंट लेआउट है, जैसे कि अगर देखें तो ये एक लेआउट है, दूसरा लेआउट ये है, तीसरा लेआउट ये है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवा। एक ही प्रॉब्लम को शो करने के इसके जो सात जो है हमारे पास लेआउट है। हम इसका पहला प्राइमरी लेआउट लेते हैं, उसको ओके करते हैं। अब याद रहे चार्ट जो ये है जिसका नाम है कॉलम चार्ट, ये किस तरह के प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने के लिए, किस तरह के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो चार्ट है जिसका नाम है कॉलम चार्ट, इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी और सीरीज का। इसका मतलब ये है कि एक दो तीन चार, चार कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में सेम सीरीज फॉल कर रही है। यानी कि ये इस तरह का चार्ट है कि जितनी भी कैटेगरीज बनाएंगे और जितनी भी सीरीज बनाएंगे, हर कैटेगरी में सेम सीरीज फॉल करेगी, हर कैटेगरी में सेम सीरीज फॉल करेगी। मतलब जो भी डेटा कैटेगरी में होगा और जो भी डेटा सीरीज में होगा, सीरीज का सारा डेटा जितनी सीरीज होगी वो हर कैटेगरी में शो होगा। अब इस तरह के चार्ट को किसी एग्जांपल के अंदर अगर हम कन्वर्ट करें और उसको समझने की कोशिश करें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ले लें आप कैटेगरी, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को आप समझे कि वो कैटेगरीज हैं, और सीरीज आप ले लें सब्जेक्ट्स को जो वो पढ़ेंगे। एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, वो क्लास मैट्रिक है, और क्लास मैट्रिक में 10 स्टूडेंट 10 कैटेगरीज हैं, और उसके अंदर जो सीरीज है वो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, और वो सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो सीरीज जो है हर कैटेगरी में फॉल करेगी, तो हर सब्जेक्ट हर स्टूडेंट पढ़ेगा। अब इस तरह के उनके जो एग्ज़ाम का डेटा है वो अगर हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है स्कोर कार्ड वगैरह, तो कैसे करेंगे? जैसे आप चार्ट को क्रिएट करेंगे और चार्ट पर क्लिक करेंगे तो दो टैब आपको नए नजर आएंगे लास्ट में, चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। याद रहे कि डिज़ाइन और लेआउट पहले भी आ रहे हैं, लेकिन ये पेज से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आ रहे हैं आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आएंगे चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट, ये चार्ट से रिलेटेड है। जब ये चार्ट पर क्लिक होगा तो एक्टिवेट होंगे। चार्ट डिज़ाइन पर आप आएंगे तो यहाँ पर इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन आपको नजर आएंगे, लेकिन अभी हमें फोकस करना है डेटा पे। तो डेटा डालने के लिए हमें डेटा वाले सेक्शन में जाना है, डेटा का जो पैनल है, यहाँ से एडिट डेटा करना है और यहाँ से एडिट डेटा पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा विंडो खुल जाएगा, इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। इस स्प्रेडशीट में आपने यहाँ पर जो भी डेटा पुटअप करना है, या देखिए कैटेगरीज में कैटेगरी का और सीरीज में सीरीज का डेटा पुट करना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि निशा और मोर्क, सिमरन, कृष्णा, काजिया, ये हमने स्टूडेंट्स के नाम पुट कर दिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट डाले इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पे हमने ले लिया हिंदी, इस्लामियत, ये हमने इनके इस्लामिया रेडी करे, तो ये इनके सब्जेक्ट हमने ले लिए। और यहाँ पर हमने उनके जो स्कोर था वो लिख दिया कि जिस बच्चे ने जो जो स्कोर हासिल किया। ये स्कोर डालने के बाद हमने जैसे इस चार्ट को बंद किया डेटा शीट को, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने उस चार्ट का लेआउट रेडी हो जाएगा। अब ये जो चार्ट का लेआउट आ रहा है, इस पे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम भी दिख रहे हैं आपको, ईच स्टूडेंट के नाम एज ए कैटेगरी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर उनकी जो चार्ट सीरीज है वो नीचे एज ए सब्जेक्ट के तौर पर नजर आ रहे हैं। अब इस चार्ट के थोड़े से लेआउट को हम चेंज भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे चार्ट डिजाइन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लेआउट हैं जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिससे हम अपने चार्ट के लेआउट को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। यानी कि चार्ट के स्टाइल से अब कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देन कलर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट कलर के कलर्स भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कलर स्कीम आप लेंगे वो कलर स्कीम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और ये उसी तरीके
तो चलते हैं क्विक लेआउट्स के ऊपर। तो यहाँ पे लेआउट्स भी डिफरेंट किस्म के हैं, जिसपे यहाँ पर कुछ आपको जो सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे, स्टूडेंट के नाम यहाँ नजर आने लग जाएंगे। यहाँ पे एक दूसरा लेआउट है, यहाँ पे इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे तीसरा लेआउट है जिसमें आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ये डिफरेंट लेआउट में आपको देख सकते हैं। कुछ में आपको स्कोर्स भी नजर आएंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा लाइट स्कोर पे ले लें यहाँ पे क्लिक करके लाइट व्यू पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम भी नजर आ रहे हैं और उनके स्कोर भी उसके सामने नजर आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें ये वाला ऑप्शन लेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम भी नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट के नाम भी नजर आ रहे हैं, उनका स्कोर भी नजर आ रहा है, डेटा टेबल भी यहाँ पे साथ में नजर आ रहा है। अब इस पर एक चीज है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ नजर आ रहे हैं और स्टूडेंट के नाम यहाँ नजर आ रहे हैं, इस पर दो चीजें। अगर एक तो ये कर सकते हैं एडिट डेटा में दोबारा जाके, कि अगर हमें कोई सब्जेक्ट को अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके मार्क्स 89 थे बायोलॉजी में और ये स्टूडेंट था मुर्ग, तो बायोलॉजी में 89 थे इसके, बायोलॉजी बायोलॉजी ये रहा और मुर्ग का ये रहा 89, तो इसके मार्क्स हमें कम करके करने थे 73। तो यहाँ पे 73 की एंट्री करेंगे और यहाँ पे देखें अपडेट हो जाएगा वो, ये देखिए 73 अपडेट हो गया। या हमें कोई नया स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ पर उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार जब भी नया डेटा या कोई डेटा में चेंजेस करनी है तो एडिट डेटा में जाके आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं और यहाँ स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं, तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के नाम जो है ना वो इस साइड पर आए और सब्जेक्ट के नाम इस साइड पर, मतलब ये कॉलम का डेटा रोज में आए और रोज का डेटा कॉलम में आए। इसका दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि हम फिर से कोशिश करें कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के नाम लिखें और यहाँ स्टूडेंट के नाम लिखें और ये ऐसे ही रहने में, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट डेटा में, इसके बराबर में एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डेटा में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है स्विच रो टू कॉलम, स्विच रो टू कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो कॉलम का डेटा रो में आ जाएगा और रो का डेटा कॉलम में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ रहा है, तो ये देखिए सब्जेक्ट के नाम आप ऊपर चले गए और स्टूडेंट के नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वंस अगेन अगर इसको आप दोबारा से स्विच करना चाहें तो दोबारा क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और वंस अगेन ये स्विच हो जाएगा, कॉलम का डेटा रो पे आ जाएगा। इसका एक काम और भी है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स को फॉर अ टेम्पररी हमें हाइड करना है सिमरन के, क्लिक हटा देंगे, ओके करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे जो सिमरन के मार्क्स हैं यहाँ पर से गायब हो जाएंगे, मतलब मौजूद हैं पर डिस्प्ले नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हमें सिमरन के मार्क्स को शो करना है तो दोबारा सेलेक्ट डेटा में जाकर चेक लगाएंगे और किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को ऑफ करना है, फॉर एग्जाम्पल सिंधी के मार्क्स को, क्लिक हटाएंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो सिंधी के मार्क्स हैं वो फिलहाल यहाँ से इनविजिबल हो जाएंगे, और दोबारा से शो करना है यहाँ क्लिक करके यहाँ से विजिबल भी किया जा सकता है। नीचे आएंगे यहाँ पे चेक करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई नया डेटा एड करना है तो आप ऑलवेज जाएंगे किसके अंदर, एडिट डेटा के अंदर, और यहाँ जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अगर कोई नया स्टूडेंट है उसको ऐड कर सकते हैं। सपोज कभी राशिद को हमने ऐड कर दिया, उसके मार्क्स हमने यहाँ पे पुटअप कर दिए, और ये नया सब्जेक्ट ऐड करना है इसके अंदर और इसको सबके मार्क्स पुटअप कर दिए, यहाँ पे क्लिक किया और क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सबके मार्क्स मिल गए। अब इस चार्ट को समझा कैसे जाए, बहुत ईजी है। देखिए हर सब्जेक्ट को एक कलर है, सपोज तो भी निशा का एक कलर है और इंग्लिश की जो मार्क्स है हम उसके देख सकते हैं। ये निशा के जो इंग्लिश के मार्क्स है इस कलर को देखिए मैच करेंगे यहाँ पे, और इंग्लिश में इसके 76 है, तो ये देखिए इसका हाइएस्ट जा रहा है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ये वाला निशा का, ठीक है, 70 से अबव जा रहा है, ये देखिए ये वाई एक्सिस चलाता है इसके ऊपर जा रहा है। और ये किसके मार्क्स है अगर देखा जाए तो ये कलर है किसका, ये राशिद और शाजिया का, और सिमरन का कलर ये है। अच्छा ये कलर थोड़े से मिक्स हो गए तो इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, यहाँ से कुछ और कलर्स लेते हैं। अब ये कलर्स अलग अलग हो गए तो इसमें हमें समझने में आसानी रहेगी। तो ये शाजिया का कलर है, देखिए शाजिया की जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो ये शो कर रहा है 70 से ऊपर है, तो यहाँ पे ये 76 है। और यहाँ पर देखिए अगर केमिस्ट्री के मार्क्स देखना चाह रहे हैं तो ये भी शाजिया के जा रहे हैं, और ये कौन सा कलर है इस कलर को देखते हैं यहाँ पे जाके, तो आई थिंक ये है सिमरन का कलर, कृष्णा का कलर है, और कृष्णा के कलर के मार्क्स जो है यहाँ पे 76 पे 50 से अबव जा रहे हैं, तो कृष्णा के मार्क्स 56 है इसके अंदर। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। बाकी डिफरेंट लेआउट है, आप यहाँ पे जिस लेआउट पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का लेआउट भी अच्छा सा लेआउट है, मार्क्स भी ऊपर नजर आ रहे हैं और आसान हो जाएगा। जैसे कि मुर्ग के जो मार्क्स है वो बायोलॉजी में कितने हैं, मुर्ग के बायोलॉजी में 73 है, तो यहाँ पे जाएंगे मुर्ग का कलर देंगे और ये देखिए यहाँ पे बता रहा है 73, इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं। चार्ट टाइटल पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं सपोज टू बी सक्सेस ग्रुप स्कोर कार्ड, ये हमने इसका टाइटल बना दिया और ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह आप चार्ट बना के अपने डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में शो कर सकते हैं। इसकी कॉमन रीजन यूटिलाइजेशन की ये हो सकती है
डेटा को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब स्टोरी एसेस की सूरत में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से शो कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। और तीसरी जो शक्ल है वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो इस तरह से शो कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डेटा की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है और इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग भी इसको इजीली समझ लेते हैं। आपने अक्सर क्रिकेट मैचेस में और फाइनेंशियल टर्म्स में देखा होगा, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है उनको बार्स के जरिए, लाइंस के जरिए शो कराया जाता है, और जब कोई चीज़ नीचे आती है प्राइस में तो उसको भी लाइंस के जरिए, डाउन एरोस के जरिए शो कराता है, ताकि लोगों को सेंस मिले और डेटा को समझने में आसानी हो कि इस डेटा का क्या हो रहा है। तो इस तरह से हम चार्ट को यूटिलाइज करते हैं अपनी आम लाइफ में। ठीक है।